हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स और डिवाइन सोल्स की एनर्जी चेक इन लेकर। तो इस रीडिंग में हमेशा की तरह मैं देखूँगी कि अगर आपका बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जो कि टूटने से भी नहीं टूटेगा, ऐसा आपको विश्वास है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, डिवाइन की तरफ से मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको नहीं पता कौन सा बॉन्ड है, बट आपको ये ज़रूर पता है कि कुछ न कुछ ऐसा है आप दोनों के बीच में जो अनब्रेकेबल है। तो समझ लें कि ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पर मैंने दो डेक्स रखे हैं। इस डेक से मैं देखूँगी आपके पर्सन और आपकी एनर्जी ओवर एंड ऑल अभी इस वक्त क्या चल रही है। फेमिनिन की एनर्जी हमेशा की तरह मेरे राइट साइड में होगी और मैस्कुलिन की लेफ्ट साइड में। फेमिनिन हो मैस्कुलिन हो, मेल फीमेल की बात नहीं हो रही, यहाँ एनर्जी की बात हो रही है। फेमिनिन एनर्जी में भी मेल फीमेल हो सकते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी में भी मेल फीमेल हो सकते हैं। एनर्जी देखकर पहचानिएगा कि अभी इस वक्त आप फेमिनिन एनर्जी में हैं या मैस्कुलिन एनर्जी में। एंड इस डेक से भी हम देखेंगे आप दोनों की करंट फीलिंग्स राइट नाउ। ठीक, सो शुरू करते हैं वन बाय वन, देखते हैं सबसे पहले आप दोनों की करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं एक दूसरे के लिए। DMDF, जो भी व्यूवर्स फेमिनिन एनर्जी में हैं, एनर्जी चेक करने के बाद डिसाइड कीजिएगा कि आपकी एनर्जी फेमिनिन एनर्जी है या मैस्कुलिन। क्यों? क्योंकि एनर्जी पोलैरिटीज़ डिवाइन एनर्जीज़ में चेंज होती हैं, डिवाइन जर्नी में एनर्जी फिक्स्ड नहीं रहती। अगर 2 साल आप फेमिनिन एनर्जी में हैं तो हो सकता है अगले साल आप मैस्कुलिन एनर्जी में हो जाएं और आपका पर्सन आपको चेज़ करता रहे, तो ये चीज़ें होती हैं। सो इस डेक को मैं करूँगी 3 बार शफल और उसके बाद मैं करूँगी 2 पार्ट में डिवाइड। ये म्यूचुअल कार्ड्स हैं तो इसे हम यहाँ रख देते हैं। वन मोर, ये है आपकी एनर्जी फेमिनिन, ये है मैस्कुलिन्स। एक एक म्यूचुअल कार्ड हम लेंगे आप दोनों की तरफ से। सो वी हैव 4 म्यूचुअल कार्ड्स जो हमारा देवदत्त संभालेगा, यहाँ पे रखेंगे। वन टू बॉटम ऑफ द डेक, आप कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो आप उसे सॉल्व करने की एनर्जी में हैं। आपको ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पर्सन की तरफ जो है वो है अबंडेंस, मटेरियल थिंग्स में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, इन्वॉल्व हैं। अभी भी कुछ ऐसे DM हैं जो मटेरियलिस्टिक हैं बहुत ज़्यादा। करंट एनर्जीज आप दोनों की, वन म्यूचुअल कार्ड आपकी तरफ से और वन म्यूचुअल कार्ड आपके पर्सन की तरफ से। वन टू बॉटम ऑफ द डेक, ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो किसी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं रीसेंट पास्ट में। वन टू बॉटम ऑफ द डेक, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, वेटिंग, आपकी तरफ नज़रें हैं, आपका इंतज़ार है, ऐसा नज़र आ रहा है। सो चलिए पहले हम DF की एनर्जी चेक करेंगे और फिर करंट फीलिंग्स। एनर्जी में फर्स्ट वी हैव वाओ, नंबर 26, नंबर 31, नंबर 32। यहाँ पर वी हैव डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी टुगेदर। सन मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, मून फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो समटाइम्स मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, समटाइम्स सडनली फेमिनिन एनर्जी में स्विच हो जा रहे हैं, यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ अभी इस वक्त आपकी एनर्जी में क्या है, समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने काम पर फोकस करना, अपने आप को बिजी रखना, अपने आप को एक प्रोवाइडर की तरह बिहेव करना, अपनी फैमिली में भी एक राजा की तरह रहना कि सब आपकी ही बात सुने, सब आपकी बात को माने, बिकॉज़ यू हैव दैट नॉलेज, यू हैव दैट विजडम। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप डोमिनेंस में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, और सडनली थोड़े टाइम के बाद हो सकता है कि आपकी एनर्जी बिल्कुल मदरली, जो एनर्जी होती है मदरली, केयर करना, नर्चर करना, इमोशनल होना, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं और राह चलते आपने देख लिया कि कोई एनिमल है जिसको चोट लगी है, तो आप बिल्कुल से जैसे एक मदर होती है जो दौड़ती है अपने बच्चे के लिए,
उस तरह से आपकी एनर्जी हो जाती है। तो ये है फेमिनिन की एनर्जी। साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा विजडम डिवाइन की तरफ से टाइम टू टाइम आपको बताया जा रहा है कि कब क्या आपके लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं। जो ड्रीम्स आप देखते होंगे उन ड्रीम्स के बाद वो चीज़ें सच होती होंगी। जो भी आपको गाइडेंस मिलती होगी वो चीज़ें आपकी रियलिटी में कन्वर्ट होती होंगी। बहुत सारी चीज़ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको गाइड की जा रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने कर्मास से रिलीज़ हो चुके हैं, कुछ लोग अभी कर्मास से रिलीज़ होने के प्रोसेस में हैं। तो ये आपकी एनर्जीज़ हैं फेमिनिन। आपके फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन को लेकर? फीलिंग्स में कुछ लोग ऐसे हैं जो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी में हैं, समटाइम्स बहुत ज़्यादा 3D में बिहेव कर रहे हैं, जैसे कि मुझे मेरा पर्सन चाहिए, या उसकी तो किसी और से शादी फिक्स हो रही है, या उसके लाइफ में तो थर्ड पार्टी है, या उसकी लाइफ में तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हैं, वो तो मेरे तरफ आएगा ही नहीं या आएगी ही नहीं, वो तो मुझे माफ़ ही नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, हम दोनों का तो सेपरेशन हो गया है। मतलब कुछ इस तरह की जो होती है डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़, इस तरह की एनर्जी में शायद वो भूल गए हैं कि इस जर्नी का पार्ट है। उनके लाइफ में बहुत सारी जिम्मेदारियां डिवाइन ने दे रखी हैं और अभी वो लोअर वाइब्रेशन में है, सबसे लोएस्ट वाइब्रेशन जो है डिज़ायर की एनर्जी, चाहिए। तो ये जो डिज़ायर वाली एनर्जी है, जब तक इस एनर्जी से ऊपर नहीं उठेंगे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि डिवाइन तब तक आपका पर्सन आपको वापस नहीं करती है जब तक आप पूरी तरह से संपूर्ण फील नहीं करते हैं, कंप्लीट फील नहीं करते हैं अपने अंदर, इनर फैमिलिन और इनर मैस्कुलिन, अपने अंदर यिन एंड यांग की एनर्जी को बैलेंस करना, शिव शक्ति की एनर्जी को बैलेंस करना। जब आप अपने आप में संपूर्ण हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि यार आपका मैस्कुलिन तो आपके साथ ही है, वो तो कभी आपसे दूर हुआ ही नहीं या हुई ही नहीं। तो जब तक आपके अंदर ये वाइब्रेशन नहीं आएगी, जब तक आप अपने आप में हैप्पी फील नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें आपको हर्ट करती रहेंगी, ट्रिगर करती रहेंगी। और जैसे ही आप अपने आप में संपूर्ण होंगे, बहुत ईजी नहीं है, काफ़ी साल लगते हैं इस एनर्जी तक पहुंचने के लिए, और डिवाइन भी एक झटके में अवेकन नहीं करती है, सालों लग जाते हैं, 5 साल, 6 साल, 8 साल, कई लोगों को 13 13 14 14 साल लगे हैं इन अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरने में। लेकिन एंड रिज़ल्ट इज़ जब वो खुद पर फोकस्ड हुए हैं, अपने ऊपर, अपने सोल पर्पज़ पे डेडिकेटेड हुए हैं, डिवाइन से अलाइनमेंट में आए हैं, उनका डिवाइन मैस्कुलिन खुद ब खुद अपने कर्मास को क्लियर करके रीयूनाइट हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको समझनी होंगी। साथ ही साथ लोगों को फोगिव करना सीखें। यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीन ऐसी हैं जो बहुत हायर वाइब्रेशन में हैं, जिन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा अवेकन किया है, अपने आप में काफ़ी चेंजेस लेकर आए हैं या आई हैं। कुछ लोग अभी भी हैं जो माफ़ करना नहीं जानते, जिन्होंने अभी तक ब्लेम करने की एनर्जी में, दूसरों को नीचा दिखाने की एनर्जी, या बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी है कि नहीं वो तो बहुत ख़राब है, वो तो थर्ड पार्टी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब आप हायर वाइब्रेशन में होते हैं तो आप थर्ड पार्टी को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि उनकी वजह से आपको ये जर्नी में लेसन्स मिले हैं, लाइफ लेसन्स मिले हैं। सो आप उनको एज अ टीचर, एज अ गाइड ट्रीट करने लगते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको अवेकनिंग की तरफ ले जा रहे हैं। कुछ लोग अभी न्यू हैं बैच में, कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी हद तक अवेयर हो चुके हैं, जिन्हें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके पास इतना ज्ञान आ चुका है कि अब उन्हें ये सब चीज़ें बड़ी बचकानी सी लगती हैं। तो ये एनर्जी इस फैमिलिन की निकल कर आई है। देखते हैं मैस्कुलिन्स की एनर्जी क्या चल रही है। नंबर 43, नंबर 5 एंड नंबर 39 पजल्ड हैं। जो फैमिनिन एनर्जी में बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में है, उनके पर्सन अब स्टेबल हो चुके हैं, कोई भी उन्हें टस से मस नहीं कर सकता अपनी जगह से, स्टेबल हैं। जैसे एक मजबूत पेड़ की जड़ होती है, उस तरह के एक फ्रूटफुल रिजल्ट रीयूनियन की एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में ब्लेसिंग्स रिसीव हो रही हैं, हो चुकी हैं या होने वाली हैं। कुछ लोगों के पर्सन अभी तक जगलिंग में हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। समटाइम्स इन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, समटाइम्स इन्हें लगता है कि नहीं, आप तो अपने लाइफ में मूव ऑन कर लो, मैं तो कुछ कर नहीं पाऊँगी या कर नहीं पाऊँगा, आपके बिना रह भी नहीं पाते हैं, कन्फ्यूज्ड हैं। यहाँ पर जो भी डिस्टॉर्टेड फैमिनिन है, उनके पर्सन अभी पूरी तरह से डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी में है, भूल भुलैया में, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्यों रात को उठ जा रहे हैं, क्या हो रहा है इनके साथ, क्यों इनके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, एक के बाद एक इन्हें कर्मा की तरफ से ट्रिगर क्यों मिल रहा है, इनकी लाइफ में कुछ भी सेटल डाउन क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों ऐसा जन्म पा गए हैं जिसमें इनको सिर्फ दुख ही दुख है।
ये लोगों का इतना भला करते हैं, लोगों के लिए इतना कुछ करते हैं, क्योंकि ट्विन अगर हैं, ट्विन फ्लेम अगर हैं, या अगर हायर लेवल ऑफ कोई स्टार सीड है या लाइट वर्कर है, तो ये कभी बिना लोगों की मदद किए रह ही नहीं सकते। तो लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनको इनकी पर्सनल लाइफ में क्यों उत्पात मचा हुआ है? तो ये चीज़ें इन्हें समझ में नहीं आ रही हैं, इनको नहीं पता शायद कि ये किसी जर्नी का पार्ट हैं या डिवाइन क्यों इनके साथ ऐसे खिलवाड़ कर रही है। कन्फ्यूजन की एनर्जी है। करंट फीलिंग्स की बात करें तो कंपैटिबिलिटी है, इंटीमेसी है, एंड वी हैव सिल्वर वाटरफॉल। कंपैटिबल आप दोनों हैं, ऑफ कोर्स अगर आप हायर लेवल ऑफ डिवाइन कनेक्शन में हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आपसे ज़्यादा इंटीमेट कनेक्शन, आपसे ज़्यादा एक केमिस्ट्री किसी और रिलेशनशिप में हो ही नहीं सकती, बिकॉज यू बोथ कैरी वन सोल इन टू बॉडीज़। सो आपकी सोल उनकी सोल सेम है, आपकी सोल उनकी सोल, आपकी चक्रास उनके चक्रास, आपकी जो लाइफ में अवेकनिंग होगी वो उनकी अवेकनिंग को साथ लेकर चलेगी, असेंशन भी साथ है। तो यहाँ पे आप तो आपसे ज़्यादा कंपेटेबल उनको कोई और लग ही नहीं सकता। अगर उनके लाइफ में कोई सेकंड, थर्ड, फोर्थ रिलेशनशिप बने भी होंगे, तो वो लौट कर वापस आप ही के पास आएंगे, कि उनको कोई संभाल ही नहीं सकता, क्योंकि एनर्जी बहुत हैवी होती है, बहुत ज़्यादा। एक मास्टर सोल की एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जी को कैरी करती है, तो उनकी वाइब्रेशंस को कोई दूसरा मैच नहीं कर सकता, 3D एनर्जीज मैच नहीं कर सकती, इसलिए वो आपके साथ ही कंपैटिबल फील करते हैं। साथ ही साथ इस वक्त काफ़ी सारे मैस्कुलिन ऐसे हैं जो अब टेंशन लेना छोड़ दिए हैं, जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रह रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा टेंशन लेते थे, लॉजिकल रहते थे, प्रैक्टिकल रहते थे, नहीं ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा तो वैसा हो जाएगा, समाज क्या कहेगा, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। लेकिन अब ये जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में आएंगे, फियर से ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ें, ये चेंजेस नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन में। लेट्स चेक कि म्यूचुअल कार्ड्स क्या हैं। म्यूचुअल कार्ड्स में आपके पर्सन की तरफ है नंबर 28 एंड यू हैव नंबर 34। ये दो म्यूचुअल कार्ड्स पहले ही निकल कर आए थे। दिस वन इज़ योर्स, दिस वन इज़ योर पार्टनर्स एनर्जी। फाइन। सो आप देखिए, आपकी तरफ है फिश, आपकी तरफ है इमोशंस। फिश क्या है? वाटर साइन है, वाटर की एनर्जी है। वाटर को क्या कहते हैं हम? इमोशंस। जब हम रोते हैं तो हमारे आंखों से आंसू निकल कर आते हैं, जब हम हंसते हैं, खुशी से हंसते हैं, तो भी हमारे आंखों से आंसू निकल कर आ जाते हैं। तो ये एक्सप्रेशन हम कैसे देते हैं? वाटर साइन से। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं अभी इस वक्त म्यूचुअल एनर्जी में, बहुत ज़्यादा इमोशनल। और आपके पर्सन बैलेंस्ड है, यिन एंड यांग की एनर्जी है, प्योर मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पर है, साथ ही यिन एंड यांग बैलेंसिंग की एनर्जी है। तो जो भी फेमिनेंस अपनी वाइब्रेशंस में हैं, हायर रेंस में हैं, हायर डिमेंशंस में हैं, उनके मैस्कुलिन्स काफ़ी हद तक बैलेंस्ड हो चुके हैं। अब इनके अंदर फेमिनिन एनर्जी भी बैलेंस्ड है और मैस्कुलिन एनर्जी भी बैलेंस्ड है। और जो फेमिनेंस अभी तक डिस्टॉर्टेड है, उनके पर्सन भूल भुलैया में है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड, बहुत ज़्यादा कार्मिक्स का ट्रिगर, बहुत ज़्यादा इमेज पे वार, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर पे वार, बहुत ज़्यादा 3D में अटके हुए हैं, मटेरियल थिंग्स में अटके हुए हैं, बड़ी कार हो जाए, बड़ा बंगला हो जाए, बड़ी गाड़ियाँ हो जाए। तो ये चीज़ें हैं। साथ ही साथ म्यूचुअल एनर्जी में है लव विद बाउंड्रीज। यहाँ पर देखिए, चक्रा बैलेंसिंग की एनर्जी है। जैसे जैसे आपके ब्लॉकेजेस हील होंगे, आपकी लव लाइफ में रीयूनियन बहुत करीब हो जाएगा। साथ ही साथ बाउंड्री, यहाँ पर हो सकता है आप दोनों में से किसी एक ने कुछ बाउंड्री सेट करी हो। तो यहाँ पर म्यूचुअल एनर्जी वाइज और नंबर वाइज अगर मैं बात करूँ, तो 7 नंबर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों को इस रीडिंग को देखने के बाद 7 डेज़ के अंदर, 7 आवर्स के अंदर मैसेजेस या कॉल्स आपके DM की तरफ से रिसीव हो सकते हैं। और जैसे ही मैंने ये बोला, 14-14 हो रहा था, सो जस्ट क्लेम दिस एनर्जी। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो रही हो और हो आने वाले 7 आवर्स या 7 डेज़ के अंदर, ज़रूर से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।